हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुख्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद हमारा यूट्यूब चैनल किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाता है और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या क्या चीज़ मिल जाती है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहला आए। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हम अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपनी पहली वीडियो अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं या 50 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। बट उसमें सुपर चैट और सुपर थैंक्स ये सारे ऑप्शंस हमें बाद में मिलते हैं। तो हमें लाइव स्ट्रीम मिल जाती है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें कस्टम URL बना सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का, जो पहले की आपने देखा होगा बहुत सारा www.youtube.com करके लिखाएगा, उसके साथ AVDU कुछ भी लिखा बहुत सारा आएगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम अपना YouTube का कस्टम URL बना सकते हैं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद। तो अभी कस्टम URL देखने के लिए हमें अपने YouTube को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना होगा, उसके बाद हमें कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो इस पे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, मतलब एक तो लेआउट है, एक ब्रांडिंग है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सेटिंग है हमारे यूट्यूब चैनल के अकाउंट की। तो जैसे हम इसको, मैंने ये नीचे ऑलरेडी स्क्रॉल कर रखा है, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल URL। तो जब चैनल URL पे आप देखेंगे तो पहले मेरे चैनल का URL इस तरह दिखाई देता था जब 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए थे। बट उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जो आप मेरा ये देख सकते हैं, जो मेरा ये YouTube चैनल का URL है। तो अभी ये कस्टम URL है जिसमें मैंने अपना इसको क्रिएट कर रखा है। तो आप भी इस तरह अपने चैनल का कस्टम URL बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उसके कैप्शन में हम किसी को भी मेंशन करते हैं, पहले वो 1000 सब्सक्राइबर पे होता था, बट अभी हम उसको 0 सब्सक्राइबर पर भी मेंशन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मेंशन की, कि हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप ये मेरा यहाँ पे कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग चैनल को मेंशन कर रखा है, मैंने यहाँ पे @1 मुख्तार लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपने ही चैनल को मेंशन कर रखा है, मतलब टैग कर रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे @ डाल के किसी को भी टैग कर सकते हैं। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे चैनल पर ले जाएगा। तो इस तरह से आप किसी को भी, मेरा यूट्यूब चैनल, तो इस तरह से आप किसी को भी @ डाल करके उसको मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो @ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, और आप इस तरह से किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टैग करते हैं, सेम उसी तरह से हम यूट्यूब पर भी उसको मेंशन कर सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन उस यूट्यूबर को या जिस भी चैनल को हम मेंशन कर रहे हैं उसको पहुंच जाता है और वो उस चीज को देख भी लेता है। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हमें कम्युनिटी टैब मिल जाता है, जिसमें हम अपनी कोई भी पोस्ट, कोई भी स्टोरी, कोई भी मैसेज हम अपना शेयर कर सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम कम्युनिटी टैब के थ्रू अपनी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरह हम यूट्यूब पे भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो कम्युनिटी टैब की अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं, हम जैसे अपने चैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम आ गया, वीडियोस आ गया, प्लेलिस्ट आ गया, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको कम्युनिटी, तो ये जो मिलता है ये आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद ही मिलता है। तो ये होता है कम्युनिटी टैब। अब इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरी कम्युनिटी टैब को, मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे लाइक पोस्ट मैंने कर रखी हैं। जैसे ये मैंने अभी 1 ही घंटे पहले की थी। यहाँ पे आप अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ में कोई किसी आप चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी अपना लाइक जैसे हम थंबनेल बनाते हैं, इस शेप में आप बना करके भी वो भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो जहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर काउंट आता है उस पे हमारा 1K 2K 3K वो हमारा 1K भी मिल जाता है। जैसा आपने देखा होगा मेरे ही चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको K नज़र आएगा सब्सक्राइबर के साथ साथ, तो वो K भी हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मिल जाता है। ओ, जैसे मैंने यहाँ पे K की बात की थी कि अगर आपके
1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये के का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस तरह आपका के सामने आ जाता है। और 1K सब्सक्राइबर अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, बट उसके साथ साथ हमें 4000 घंटे का भी वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। जैसा कि आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद ही मिलती हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ, हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद लाइव स्ट्रीम मिल जाता है, सिस्टम URL मिल जाता है, कम्युनिटी टैब मिल जाता है, 1K का हमारा ऑप्शन आ जाता है जो सब्सक्राइबर के आगे रहता है। किसी भी यूट्यूबर्स को अपने कैप्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो उसको जैसे हम इंस्टा फेसबुक पर टैग करते हैं सेम उसी तरह हम मेंशन कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। और साथ ही साथ हमारा मोनेटाइजेशन के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद, बट उसके साथ साथ हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद हमारे चैनल पे मिल जाती हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।